आज के इस वीडियो में आपको 3D नेम के अंदर वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। इस तरह का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपने खुद देखा होगा। मैं इस पर काफी दिन पहले वीडियो बना देता था लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं बना पाया। आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर स्ट्राइक थी, इसलिए वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया। और कल से मैंने काम को फिर से स्टार्ट किया। और किस तरीके से आप ऐसा वीडियो एडिटिंग करेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया, 3D नेम के अंदर आप अपने किसी भी नेम को इस तरीके से 3D में रखकर उसका इस तरीके से वीडियो एडिट करते हो, जो इफेक्ट है अंदर वो काफी नेक्स्ट लेवल। और किस तरीके से एडिट करना है, कंप्लीट वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। 2-3 एप्लीकेशन का यूज करना होगा और क्या क्या इसके लिए मटेरियल यूज होगा, सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीटली आपको इस तरह का वीडियो स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकें, हम आपके कंफ्यूजन और डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को एडिट कर लेते हैं, बाकी बातें हम इंस्टाग्राम पर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए 3D नेम वाला, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक फॉन्ट दूंगा जंगल फॉन्ट, तो वो वाला फॉन्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर नीचे आपको 5 ऑप्शन देखेंगे तो आपको 4th ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है जिनके ऊपर हम अपने नाम को लिखेंगे, सेट करेंगे। और जो मैं बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ वो सारे बैकग्राउंड आपको दे दूंगा, आप उन सभी बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। नहीं तो आप गूगल पर जाकर भी वहाँ पर भी बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो बैकग्राउंड है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, आपका बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आपको दूसरा भी चाहिए, आपको कोई अदर बैकग्राउंड भी चाहिए तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको जिस टाइप का भी बैकग्राउंड चाहिए उस टाइप का बैकग्राउंड मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। और मैंने किस तरह का जो बैकग्राउंड है वो यूज किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर से। तो मैंने इस वाले बैकग्राउंड का यूज किया था, आप इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसकी साइज आपको पहले से बराबर मिल जाएगी। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट मिलेगा, इस पर आपको डबल टैप करना है और इसको हटाएंगे। यहाँ पर आपको अपना जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कोई भी एक नेम डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाला DJ नीरज। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको ए पर क्लिक करना है और आपको साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है और आपको माई फॉन्ट पे क्लिक करना होगा। ये वाला फॉन्ट आपको मैं दे दूंगा अर्बन जंगल वाला, तो इसको आपको इम्पोर्ट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइल के पास के जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, आपको ये वाला अर्बन जंगल ये वाला फॉन्ट मिलेगा, इसको आपको इस तरह से सेलेक्ट करके ऐड सेलेक्ट पे क्लिक करना है, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है, आपका नाम इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको साइड में स्क्रॉल करके स्पेसिंग पे क्लिक करना है, इसको इस तरीके से बढ़ा लेंगे अपने नाम के अकॉर्डिंग। राइट पे आप क्लिक करेंगे, इसको परफेक्टली आप यहाँ पर सेट करके देखेंगे तो आपका जो नाम है वो यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा गजब लग रहा है। अब आपको शेयर पे क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। तो ये आपका नाम बैकग्राउंड के साथ सेव हो जाएगा। आप दूसरा बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको नीचे 4th ऑप्शन पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो भी बैकग्राउंड लगाएंगे वही बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है मोशन लेब। इस वाले एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो यहाँ पर इसको ओपन करना है। डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी अगर दिखाता है तो आपको बैक बटन पर क्लिक करना है, तो बैक बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कुछ इस तरह का पेज आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पर आपको उस वाले फ़ोटो को लेना है जिसको अभी हमने सेव किया, फ़ोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस फोटो के अंदर हम कुछ इफेक्ट को डालेंगे तो आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से आपका फोटो ऐड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, स्काई जो दिख रहा है स्काई, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी बादल रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए बादल जो है वो चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पर प्ले के ऑप्शन से देख सकते हैं वो बादल हिट जाएंगे इधर उधर। तो यहाँ पर आपको जो भी स्काई पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेंगे। और मैंने यहाँ पर किस तरह का रखा था वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने एक ये वाला भी यहाँ पर लिया था, ये भी काफ़ी अच्छी है, अच्छा है। यहाँ पर देखिए नाम के और बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है, तो एक ये वाला भी मैंने लिया था। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आपको वो वाला ले लेना है। तो आपको ये वाला मैंने लिया था तो ये वाला भी आप ले सकते हैं, और इसके पास वाला भी मैंने लिया था तो ये वाला भी आप ले सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको देखिएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए
आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप उसको परफेक्टली यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपका जो नाम है वो गजब लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे आ जाएंगे। अब आपको इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फर्स्ट वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपके नाम के अंदर इस तरीके से इफेक्ट आएगी, इसको आप इधर नीचे लाएंगे तो ये ऊपर जाएगी इफेक्ट, और इसको ऊपर ले जाएंगे वो जो है जो भी आ रहा है इफेक्ट आ रहा है वो इस तरीके से आएगा। आप अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे और इसको कम ज़्यादा इस लाइन से आप कर सकते हैं। बिल्कुल कम करेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, और बढ़ाएंगे तो इस तरीके से दिख जाएगा। तो जैसे आप ज़्यादा इसको सेट कर सकते हैं, तो ये वाला आपको सेट करने के बाद वापस इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे आना है। वापस आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर दूसरा जो इफेक्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पर ये वाला मिलेगा स्मोक वाला। तो ये वाला अगर आप अपने नाम के अंदर रखना चाहते हैं कलर्स वाला तो रख सकते हैं। तो मैंने पीला कलर लिया था, इसकी साइज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको ऊपर नीचे जिधर भी आप करना चाहते हैं सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एनिमेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको नीचे जाना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो मैंने इफेक्ट ली थी यहाँ पर मैंने इस टाइप का लिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको आप इस तरीके से रिक्रिएट करेंगे और इसको यहाँ पर आप परफेक्टली सेट करेंगे। आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। वापस आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे जाना है और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब आपको ये वाला यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपको इस तरफ सेट करना है। इसको भी आप बढ़ा लेंगे और इस तरफ से आप सेट करेंगे। इसको आप प्ले करके देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा भाई किस टाइप का दिख रहा है। ओके, हमने इसको इस तरीके से ऐड कर लिया। अगर आप यहाँ पर ओवरले के अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं इस वाले तरह की इफेक्ट तो वो इस अपने हिसाब से ऐड करते हैं। फर्स्ट वाला ऐड करेंगे, उसकी साइज को आप इस तरीके से कम कर लीजिएगा तो वो भी देखने में अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई अदर भी चीज़ पसंद है वो इस यहाँ पर आप देखकर आसानी से सेट कर लीजिएगा। इस तरीके से सेट आने के बाद आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको साइज को ओरिजिनल रखना है, उसके बाद ड्यूरेशन पर क्लिक करना है। इसको आपको यहाँ पर 15 सेकंड तक आपको रख लेना है, ठीक है। 15 सेकंड या 18 सेकंड बहुत है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिटी को आपको फुल करके 4 के रखना है। एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। आप जो भी एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो वो 20 सेकंड तक होना चाहिए, 18 सेकंड तक आप होगा तो भी चलेगा। इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। हमारा वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन से आपका काम कंप्लीट हो चुका है। आपको बैक बटन के क्लिक आगे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैपकट एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है, और कैपकट एप्लीकेशन का यूज करने के लिए आपको सुपर वीपीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। हम इस एप्लीकेशन को वीपीएन को कनेक्ट कराएंगे तभी हम कैपकट का यूज कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टैम्पलेट दूंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आपको ऑल मटेरियल का लिंक मिलेगा वहाँ पर आपको कैपकट टैम्पलेट का जो बटन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप कैपकट डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला टैम्पलेट मिल जाएगा, उसको आप प्ले करके देख सकते हैं कुछ इस तरह के आएगा। और अगर आपको कोई अदर भी चाहिए फुल स्क्रीन मतलब 9:16 वाला तो वो भी आप ले सकते हैं। हमको ये वाला चाहिए तो यहाँ पर आपको यूज टैम्पलेट इन कैपकट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको क्या करना है, सुपर वीपीएन एप्लीकेशन को कनेक्ट रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर कनेक्शन एरर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर जो वीपीएन एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके ओपन करना है और ओपन करके इसको कनेक्ट करना है ओनली फॉर और कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड रखना है। यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। आप डायरेक्ट में आ जाता हूँ यहाँ पर और यूज़ टैम्पलेट इन कैपकट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट मुझे लेकर जाएगा। वापस मैं क्लिक करता हूँ, हाँ ये यहाँ पर हम मुझे कैपकट के अंदर लेके आ चुका है। आपको यूज़ टैम्पलेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑल वीडियो फोटो सब कुछ आ रहा था, आपको यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है और जो वीडियो अभी हमने सेव किया ना ये रहा 18 सेकंड का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो आपका जो वीडियो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इफेक्ट ऐड हो जाएगी। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, इफेक्ट लोडिंग ले रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे वीडियो जो है हमारा जो वीडियो है उसके अंदर इफेक्ट ऐड हो जाएगी। हम थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं, इसको 100% होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, जैसे ही 100% वो ऑटोमेटिक हमारा वीडियो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लीट बन चुका है। पहले हमारा जो मतलब जो हमने नेम ऐड किया वो कुछ इस तरीके से ब्लर आएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद देखिए अचानक जो गजब तरीके से लगेगा। तो इस तरीके से हमारा पर वीडियो एडिट हो चुका है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पर आपको क्लिक करना है तो बिना वाटरमार्क का जो वीडियो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको म्यूज़िक ऐड करना होगा जो मैं आपको MP3 भी दे दूंगा, सॉरी MP4 दूंगा, वीडियो दूंगा जिसके अंदर आपको म्यूज़िक मिलेगा, यही वीडियो दूंगा इसके अंदर म्यूज़िक मिलेगा, उस म्यूज़िक को हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो वहाँ पर म्यूज़िक के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लिया तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारा काम हो चुका है। ये आपको डायरेक्ट
सकते हैं, यहाँ पर लेके जाएगा प्ले स्टोर पे, आपको बैक बटन पे क्लिक करके आगे आ जाना और यहाँ पर आपको डन पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे। ठीक है, आप कैपकट के होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर वीडियो पे क्लिक करके उस वाले वीडियो को लेना जिसको अभी हमने एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है, तो आपका वीडियो ऐड हो जाएगा। इस वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको साइड में जाएंगे, वॉल्यूम पे क्लिक करना है, इसको जीरो करके आपको राइट पे क्लिक करना है। लास्ट में जाएंगे, आपको एक एंडिंग पार्ट मिलेगा कैपकट का, इस पर क्लिक करना है, इसको आप डिलीट कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट में आएंगे, ऐड ऑडियो की ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको म्यूजिक मिल जाएगा, तो आपको उस वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंपोर्ट ओनली साउंड पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो म्यूजिक है यहाँ पर कम्प्लीटली इस तरीके से वीडियो के नीचे ऐड हो जाएगा। आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर पूरा कम्प्लीट है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर जो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका वीडियो सक्सेसफुली गैलरी में सेव हो चुका है।